गाइस गुड मॉर्निंग, हो चुका है सुबह का वक्त और मेरे हस्बैंड अब जा चुके हैं अपने ऑफिस, तो वो काफी जल्दी चले जाते हैं आजकल। और अब मैं बना रही हूँ अपने लिए, अपनी बेटी के लिए नाश्ता। तो नाश्ते में मैं बना रही हूँ उपमा और मैं दिखा देती हूँ आपको। मैं बहुत जल्दी वाला उपमा बना रही हूँ। मैंने एक पैन में राई डाल दी है, हरी मिर्च, प्याज और मैं कुछ टमाटर डालूंगी एंड मटर ऐड करूंगी एंड उपमा तैयार करूंगी। एंड साथ ही मैं घर के बाकी के काम भी शुरू हो गए हैं। तो यहाँ धुल रहे हैं हमारे कपड़े, मशीन में मैंने सुबह उठ के लगा दिया है। तो आराम से जब तक आपके बाकी के सारे काम होते हैं आपके कपड़े भी धुल जाते हैं। तो यही सब चल रहा है अभी एंड आपको मैं मिलती हूँ उपमा बनाने के बाद। तो आप कैसे भी बना सकते हैं, जैसा आपका मन करे, मूंगफली डाल के, मटर डाल के या फिर सिंपल तरीके से, जैसे भी चाहे। बहुत ही हेल्दी ऑप्शन है बच्चों के लिए और बड़ों के लिए भी। सो उपमा इज रेडी। तो अब मैं और मेरी बेटी करेंगे ब्रेकफास्ट और मैं मिलती हूँ आपको उसके बाद। नाश्ता करने के बाद मैं और मेरी बेटी अभी थोड़ी देर बैक गार्डन में आई है एंड वो थोड़ी देर यहाँ पर मस्ती करिए, थोड़ा सा चल रही है एंड अभी अभी उसने शूज सैंडल पहनना सीखा है तो वो चलने की प्रैक्टिस कर रही है। मैं उसे थोड़ा चलाती हूँ एंड थोड़ी देर बाहर आने से उसे फ्रेश एयर भी मिलती है और थोड़ी सनलाइट भी, क्योंकि आजकल यूके का मौसम ठीक हो रहा है। हेलो गाइस, और अब हो चला है लंच का टाइम और मैंने और मेरे हस्बैंड ने डिसाइड किया है हम लंच में मिलकर कुछ स्पेशल बनाने वाले हैं आज। तो आज हम बनाने वाले हैं पनीर की सब्जी। यस, पनीर की सब्जी और जिसे हम खाएंगे पूरी और रायते के साथ। तो चलो मैं आपको दिखा देती हूँ कि मैं क्या प्रिपरेशन कर रही हूँ। तो मैंने पनीर को गर्म पानी में रख दिया है ताकि वो सॉफ्ट हो जाए, क्योंकि मैं पनीर को बहुत ज़्यादा, अगर पनीर रखा है तो मैं फ्रीज़र में स्टोर कर देती हूँ, इसलिए पनीर खट्टा नहीं होता, ख़राब नहीं होता। तो मैंने उसे बस निकाल के अभी गर्म पानी में डाला है जिसे हम थोड़ा सा फ्राई करके बनाएंगे, थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन करके। और आज हम जो पनीर की सब्जी बनाने वाले हैं वो हम बिना प्याज और लहसुन के बनाएंगे। तो उसके लिए मैंने जो भी चीजें इस्तेमाल होती हैं वो मैंने निकालना शुरू कर दिया है, तो मैं आपको एक बार दिखा दूं। सो पनीर कट हो गए हैं क्यूब्स में और अब हम इसको डाल रहे हैं पैन में। तो ये है एक्टिव फ्रायर का पैन और जिसमें हमने थोड़ी सी ऑयलिंग की है, बस हल्का सा, और ऑयल ब्रश किया है। अब बस अब हम पनीर डाल देंगे और इसी में ये गोल्डन ब्राउन हो जाएगा। अब हम इसमें टाइमर सेट कर रहे हैं 8 मिनट्स का और बीच में हम इसे देखते रहेंगे कि कितना हो गया है। कुछ गरम मसाले निकाल लिए हैं, तेज पत्ता और बड़ी इलायची और दालचीनी एंड यहाँ पर हमारी मसालदानी तो है ही रेडी, जिसमें हल्दी, मिर्ची, धनिया, जीरा सारे मसाले हैं। एंड ये है हमारा होममेड गरम मसाला जो हमारी मम्मी इंडिया से लाई थी जब वो आई थी, तो हम ये यूज करेंगे एंड थोड़ी सी कश्मीरी रेड चिली। तो बस अब चलते हैं, बनाना शुरू करते हैं। जब तक हम मसाला रेडी करेंगे और तब तक पनीर भी हो जाएगा।
क्योंकि हम यूज करने वाले हैं थोड़ी फ्रोजन मटर, इसलिए मैं इसको थोड़ा पानी डाल के माइक्रोवेव कर लूंगी ताकि ये नॉर्मल हो जाए। हमारी कढ़ाई रेडी है, इसमें हम बनाने वाले हैं पनीर। गैस चालू हो चुकी है एंड बस अब बनाना शुरू करेंगे। और कढ़ाई गर्म हो चुकी है, हमने उसमें तेल ऐड कर दिया था एंड तेल गर्म होने के बाद अब उसमें हमने तेज पत्ता, दालचीनी और बड़ी इलायची डाली है। एंड जैसे ही ये थोड़ा सा क्रैकल हो जाएंगे, इसमें हमने थोड़ी सी एक पिंच हींग ऐड करी है एंड अब इसमें हम जीरा ऐड कर देंगे। इसमें लगभग हम एक चम्मच जीरा ऐड करेंगे। एंड जीरे को हम अच्छे से भुनने देंगे एंड सभी मसाले जो होल मसाले हैं वो अच्छे से भुन जाएंगे। फिर हम इसमें तुरंत ही रेड चिली ऐड करेंगे। यस, रेड चिली, कश्मीरी रेड चिली ऐड करेंगे और दूसरी नॉर्मल रेड चिली भी ऐड करेंगे ताकि हमारे पनीर में एक अच्छा सा कलर आ जाए। तो यहाँ पर हमने रेड चिली ऐड कर दी है एंड इसे गरम तेल में रेड चिली डालने से सब्जी में अच्छा कलर आएगा। एंड इसमें हमें फिर जल्दी से जो हमने टमाटर और अदरक हरी मिर्च के सब पीस के रखा है उसे हमें जल्दी से ऐड करना है ताकि जो हमारी लाल मिर्च है वो चले नहीं। एंड जैसे ही अब हमने इसमें टमाटर ऐड कर दिया है, अब हमें इसको अच्छे से भूनना है, तब तक पकाना है जब तक इसमें से तेल ऊपर ना आ जाए और ये अच्छे से भून ना जाए। हम इसे अच्छे से अब भूनेंगे और इसे अभी मैं मिक्स कर रही हूँ सभी चीज़ों को अच्छे से। एंड साथ ही मैं अब मैं पनीर को भी चेक कर रही हूँ। पनीर लगभग हो गए हैं एंड मसाला भी लगभग हमारा भुनने वाला है। इसमें थोड़ा थोड़ा सा तेल ऊपर आ गया है, आप देख सकते हैं कि ये अब लगभग भुन गया है। एंड इसमें अब हम जो बाकी के मसाले हैं वो ऐड करना शुरू करेंगे, जैसे कि अब हल्दी पाउडर ऐड कर रही हूँ मैं। एंड अब इसमें हम ऐड करेंगे धनिया पाउडर एंड रेड चिली हमने पहले ही ऐड कर चुकी है तो फिर हम दोबारा ऐड नहीं करेंगे, ख्याल रखें इस बात का। एंड जो हमारा होममेड गरम मसाला है हम उसको ऐड कर देंगे हम। अब गरम मसाला एक पिंच ही काफ़ी है, ये घर का पिसा गरम मसाला है इसलिए एक पिंच काफ़ी है। आप जो भी मसाला यूज़ करें उसकी जो आप समझ लें कितना डालना चाहिए उतना ही डालें। अब सभी मसालों को अच्छे से हम मिक्स कर रहे हैं और मसाले को अब हम थोड़ा सा और पकाएंगे, जो हमने अभी मसाले ऐड किए हैं वो भी पक जाएं। एंड अब इसमें हम सॉल्ट ऐड कर रही हूँ एंड पनीर भी बिल्कुल ऑलमोस्ट तैयार हो गया है, सारे गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। अब हम पनीर को साइड में रख लेंगे एंड मटर भी लगभग हमारी तैयार हो चुकी है एंड मसाला भी तैयार है। अब सब चीज़ों को मिक्स करने की बारी है एंड अब इसमें हम डाल रहे हैं काजू और दूध का पेस्ट जो मैंने बनाया था। आप क्रीम भी ऐड कर सकते हैं, मैंने थोड़े से काजू और उसमें मिल्क ऐड करके उसका पेस्ट बना लिया था। अब उसको हम जैसे मिक्स कर देंगे इसमें एंड मटर मैंने छान कर रख लिया, उसका सारा पानी निकाल दिया है एंड अब मसाले में मटर ऐड कर रहे हैं एंड सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मटर भी हमारी लगभग पकी हुई है, मसाला भी तैयार है एंड पनीर भी तैयार हो चुका है एंड अब जितना भी उसमें लगा हुआ रह गया था काजू और क्रीम तो हम उसको डाल देंगे, कुछ भी अब वेस्ट नहीं होना चाहिए घर में। एंड पनीर भी सब तैयार हो गई है
कूलिंग डाउन हो गए हैं, उनको भी ऐड कर देंगे। सभी चीज़ें अब एक साथ आ चुकी हैं, मसाला, मटर, पनीर एंड बिना प्याज और लहसुन का कितना लजीज मटर पनीर बनता है मैं आपको बता नहीं सकती। ज़रूर ट्राई करें, कभी भी आपके घर में फेस्टिवल हो, त्यौहार हो, ज़रूर बनाएं। अब इसे हम ढक कर 5 मिनट्स तक पकने देंगे एंड अब मैं देखने आ गए हैं इसे हम दोबारा कि अच्छे से बॉईल हो चुका है, अच्छे से इसमें सारा स्वाद आ चुका है। इसमें अब आप देखें कि इसे हम ढककर फिर से 2 मिनट के लिए और रख देंगे एंड मैंने धनिया भी तब तक काट कर रख लिया हुआ है, तो हरा धनिया तो ज़रूर ही है डालना, तो डालें, हरा धनिया डालें। अगर आपको कसूरी मेथी पसंद है डालना तो आप कसूरी मेथी भी डाल सकते हैं इसमें थोड़ी सी एंड इसका स्वाद उसे और बढ़ जाएगा काफ़ी। तो बस सभी चीज़ों को अब हम मिक्स कर रहे हैं और हमारी सब्जी बनकर बिल्कुल तैयार है। बस अब तो बस जल्दी जल्दी फटाफट पूरियां बन जाएं तो फिर हम लोग बस खाएंगे एंड अब इसमें हम बची हुई क्रीम ऐड कर रहे हैं एंड अब देखें आप पूरियां भी बनना तैयार बनना शुरू हो गई हैं। अब मैं सारी पूरियां जो हैं मैं कुछ बेल कर रख रही हूँ एंड मेरे हस्बैंड उनको निकालते जा रहे हैं, इस काम बड़ी जल्दी हो जाएगा। वो फटाफट पूरियां तल रही हैं एंड मैं फटाफट बेल कर रख रही हूँ। शेप पर ना जाएं, बस स्वाद देखें। पूड़ियाँ हमारी तैयार होने ही वाली हैं एंड इतनी पूड़ियाँ भी बन चुकी हैं। ये है साथ में पापड़ और ये है हमारी पनीर की सब्जी एंड यहाँ पर है रायता। तो बहुत ही जल्द मैं अभी थाली लगाऊंगी एंड फिर मैं आपको दिखाऊंगी। गाइस हो चुकी है हमारी आज की थाली तैयार जिसमें है पूरी, रायता, सब्जी और पापड़। आई होप आप लोगों को हमारा खाना अच्छा लगा होगा जो हमने बनाया। इतना अच्छा लंच करने के बाद अब हो गए हैं हम तैयार और हम जा रहे हैं अब वॉक करने के लिए। परी से बाय बाय। तो चलिए चलते हैं वॉक पर।
आ चुके हैं घर वापस एंड अब मैं बनाऊंगी कुछ रिफ्रेशिंग सी ड्रिंक और फिर हम अपनी बाकी की शाम एंजॉय करेंगे। तो चलिए मैं आपको करती हूँ टाटा बाय बाय एंड मिलती हूँ एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।